स्वास्थ्य मंत्री का दावा, दुनिया के 20 देशों ने वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए दिया प्री ऑर्डर। देश में कोरोना के केस 23 लाख के पार, 24 घंटे में फिर सामने आए 61,000 से अधिक नए केस, 46,000 के पास पहुंचा मौतों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 75% के पार, बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पॉजिटिव होने से ठीक होने की दर अधिक, धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। बेटे सुशांत की मौत पर पिता ने लिखी भावुक चिट्ठी, ठगों बदमाशों और लालचियों के झुंड से घिरा था सुशांत परिवार को धमकी मिलने का भी लगाया आरोप। सुशांत सुसाइड केस पर जारी है सियासत, बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीबीआई जांच से कोई आपत्ति नहीं। बेंगलुरु में हिंसा के बाद पूरे शहर में धारा 144, दो इलाकों में कर्फ्यू, मंगलवार रात हिंसा में 3 लोगों की मौत और 60 से अधिक पुलिसकर्मी जख्मी। बेंगलुरु हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी, आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले कांग्रेस विधायक का भतीजा भी गिरफ्तार। राजस्थान में पायलट की घर वापसी के बाद जयपुर लौटे सभी कांग्रेस विधायक, 14 अगस्त से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र, जैसलमेर से जयपुर लौटने के दौरान विधायकों की मस्ती का वीडियो वायरल। राजस्थान में विधानसभा सत्र से पहले गुरुवार को भाजपा विधायक दल की अहम बैठक, बैठक में कई केंद्रीय नेताओं के शामिल होने की संभावना। यूपी में सुदीक्षा मौत मामले की जांच करेगी एसआईटी, घर पहुंचकर परिजनों के लिए बयान, बुलेट गैंग पर कसा जांच का शिकंजा। कश्मीर के बारामूला में आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, एक जवान घायल, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। राजधानी भोपाल में संस्कार वैली स्कूल के पास दिखी बाघिन, सड़क पर किया शिकार, जान बचाकर भागे वनकर्मी। मध्य प्रदेश में परिवहन मंत्री के आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने खत्म की हड़ताल, 3 दिन की हड़ताल पर थे ट्रक चालक। अयोध्या में शुरू राम मंदिर का निर्माण कार्य, मंदिर ट्रस्ट ने ट्वीट कर दी जानकारी, 5 अगस्त को पीएम मोदी ने किया था भूमि पूजन। राम के बाद कमलनाथ की कृष्ण भक्ति से बेचैन भाजपा, बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कभी सुंदरकांड करते हैं, कभी कृष्ण दरबार सजाते हैं, कैलाश बोले इस उम्र में आई भगवान की याद। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, कोरोना के चलते मंदिरों में नहीं हो रहे सार्वजनिक आयोजन, मथुरा में कोरोना के चलते सड़क पर पसरा है सन्नाटा। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त, सतना के नागौद में थाने में भरा पानी, शिवपुरी के कई इलाके भी जलमग्न, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। देश के कई राज्यों में आसमान से बरस रही है आफत, उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन से कई जिलों का संपर्क टूटा, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक नदियां उफान पर। संजय दत्त की पत्नी मान्यता की प्रशंसकों से अपील, का अफवाहों पर ध्यान न दे संजू के प्रशंसक, फिल्म स्टार के स्वस्थ होने की करे दुआएं। सलमान की फिल्म केक के सीक्वल में काम करेगी जैकलिन फर्नांडिस, फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला ने ट्वीट कर की पुष्टि, जैकलिन ने लिखा केक 2 के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार।